रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संसार में हर व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है। ठीक उसी तरह संदीपा अपनी आजीविका के लिए आलू के पराठे बनाकर बेचा करती थी, क्योंकि उसका पति अपाहिज था और दो बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उस पर थी। एक रोज वो आलू के पराठे बनाने के लिए आलू लेने बाजार जाती है, जहाँ एक सब्जी वाले से वो आलू के दाम पूछते हुए कहती है, आलू कैसे दिए भाई साहब? 50 रुपए किलो दिए बहन जी, बोलिए कितना किलो दे? 50 रुपए किलो? भाई साहब आलू कब से इतने महंगे हो गए, थोड़ा तो सही भाव लगाओ। अरे एकदम ताजा आलू है बहन जी, और मीठा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेना है तो ले लीजिए, वरना जाइए। अरे भाई साहब आपको भाव लगाने को कहा है, भाव खाने को नहीं। 40 रुपए लगा लो, 50 किलो चाहिए मुझे आलू। 5 किलो की बात सुनकर सब्जी वाला इसे अच्छा सौदा मानता है और संदीपा के कहे दाम पर उसे 5 किलो आलू तौल कर दे देता है। बाजार से कुछ और सब्जियां लेकर वो घर लौटती है तो देखती है कि उसका पति सुहास व्हीलचेयर पर बैठे हुए हाथ में झाड़ू लिए सफाई करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सब्जी का थैला जमीन पर रखकर संदीपा उसके हाथ से झाड़ू लेकर कहती है, क्या कर रहे हैं आप? आप ये सब मत कीजिए, अंजू कहाँ है? अपनी सहेली के घर गई है किसी काम से। तुम भी बाजार गई थी तो मैंने सोचा कि मैं ही कुछ काम कर दूं। वो अलग बात है कि मैं अब किसी काम के लायक नहीं। ऐसा क्यों कहते हो? आप रुकिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, उसके बाद आलू भी उबालने हैं मुझे। कुछ ही देर में वो चाय बनाकर सुहास को दे देती है और फिर आलू उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती है और अगली सुबह पराठे की सारी तैयारी कर ठेले पर सारा सामान रखकर पराठे बेचने निकल जाती है और सड़क के किनारे ठेला खड़ा कर आवाज लगाते हुए कहती है, आओ आओ गर्मा गर्म पराठे खाओ, आलू के पराठे, गर्मा गर्म आलू के पराठे। वो आवाज लगा लगा कर पराठे बेच रही होती है। तभी उसकी बेटी अंजू अपनी एक सहेली के साथ वहाँ से गुजर रही होती है तो उसकी सहेली विदिशा आलू के पराठे की खुशबू से संदीपा के ठेले की तरफ देखती है और अंजू से कहती है, अंजू चलना चलकर आलू के पराठे खाते हैं। आलू के पराठे? यहाँ कहाँ दिख गए तुझे आलू के पराठे? वो देख रोड के साइड में, वो आंटी बेच रही है। ये तो माँ है, अब मैं इसे कैसे मना करूँ? क्या सोचने लगी, चलना। वो सोच ही रही होती है कि तभी विदिशा उसका हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले जाती है। अपनी बेटी को देखकर संदीपा कुछ बोले इससे पहले ही अंजू कहती है, छोड़ ना यार, ठेले पर से पराठे खाना ठीक नहीं रहता, हम बाजार से समोसे खा लेंगे ना। अरे यार समोसे भी खा लेंगे, लेकिन इन आलू के पराठों को देखकर मुझसे फिलहाल तो नहीं रहा जा रहा, इसलिए मुझे तो खाने हैं। आंटी कैसे दिए पराठे? 30 रुपए के 2 पराठे हैं बेटा। हाँ तो 2 प्लेट कर दीजिए। नहीं मुझे नहीं खाने, तू ही खा। कोई नहीं, 2 प्लेट मैं ही खा लूंगी, दीजिए आंटी। अभी देती हूँ। संदीपा 2 प्लेट पराठे बनाकर विदिशा को दे देती है और अंजू की तरफ देखने लगती है, लेकिन अंजू उससे आंखें चुराती रहती है और विदिशा को जल्दी खाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, वहाँ क्या पराठे हैं आंटी, मजा आ गया। तो ऐसा कीजिए 1 प्लेट पैक कर दीजिए और हाँ ये लीजिए पैसे। विदिशा पैसे देकर और पराठे लेकर वहाँ से अंजू के साथ चली जाती है। शाम को जब संदीपा ठेला लेकर घर पहुँचती है तो अंजू से प्यार से पूछती है, अंजू तूने अपनी सहेली के साथ पराठे क्यों नहीं खाए, कोई बात है? माँ जो चीज घर में मुझे ना चाहते हुए भी खानी पड़ती है उसे मैं अब बाहर भी खाऊं? ठीक है, लेकिन तूने मुझसे बात भी नहीं की, ना ही अपनी माँ की तरफ एक बार देखा। हाँ नहीं देखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सहेली को पता चले कि मेरी माँ एक गरीब पराठे वाली है, वो क्या सोचती मेरे बारे में। अंजू की ये बात सुनकर उसकी माँ और पिता सुहास को भी बहुत बुरा लगता है। ये बातें वहीं बैठी पढ़ाई कर रही उसकी छोटी बहन भी सुन रही होती है। तभी सुहास गुस्से में कहता है, बेटी तेरी माँ गरीब पराठे वाली अपनी खुशी से नहीं बनी, और तू ऐसा बोलेगी तो तेरी छोटी बहन पे क्या असर पड़ेगा? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर काम ही करना है तो माँ पराठे बेचने के अलावा भी तो कोई और काम कर सकती थी ना। बेटी हम गरीब हैं और फिर कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हाँ बेटी, और पराठे बेच बेच कर तेरी माँ इस घर का खर्चा चला रही है और तुम लोगों की पढ़ाई का खर्चा भी उठा रही है। हाँ पता है,
लेकिन मुझे माँ का यूँ सड़क पर ठेला लगाकर पराठे बेचना अच्छा नहीं लगता बस। इतना कहकर अंजू वहाँ से चली जाती है। संदीपा को अपनी बेटी की कही बातें चुभती हैं, लेकिन इसके चलते वो पराठे बेचना बंद नहीं कर सकती थी। वो रोज अपना ठेला लेकर पराठे बेचने जाया करती, लेकिन कभी तो पराठे की खूब बिक्री हुआ करती और कभी इक्का दुक्का ग्राहक ही आया करते। एक रोज संदीपा अपना ठेला लेकर घर लौट रही होती है, तभी रास्ते में एक डोसे का ठेला देखती है जिसके पास बहुत भीड़ लगी होती है। तो संदीपा भी उसे डोसा बनाते हुए देखती है और कहती है, इस डोसे में भी तो आलू ही भरा है, और हाँ बस डोसे पर आलू लगाकर इसे दोनों तरफ से बंद कर दिया है। ये तरीका अगर मैं अपने आलू के पराठों के साथ अपनाऊं तो कैसा रहेगा। ये सोचते हुए वो ठेला लेकर आगे बढ़ जाती है और अगले दिन डोसे के स्टाइल में पराठे के ऊपर आलू भरकर उसे फोल्ड करके हरी चटनी के साथ परोसती है। ग्राहकों को आलू के लवालब पराठे पसंद आते हैं और उस दिन आलू के पराठों की अच्छी बिक्री होती है। लेकिन इतने सारे पराठे अकेले सेकते हुए संदीपा के हाथों में दर्द होने लगता है और घर पहुंचकर वो अपने हाथों की मालिश खुद ही करने लगती है। अपनी माँ को दर्द में देखकर उसकी छोटी बेटी उसके हाथों की मालिश करने लगती है तो संदीपा उसे प्यार से गले लगा लेती है। तो वहीं अपनी माँ के हाथ में दर्द देख अगली सुबह अंजू संदीपा के उठने से पहले ही आलू उबालकर और आटा गूंथकर रख देती है। उसे ये सब करते देख संदीपा की आंखें भर आती हैं और वो अंजू से कहती है, तूने ये सब अकेले कर लिया। हाँ, क्योंकि आपको हमारे लिए इतनी मेहनत करते देख मुझे बहुत दुख होता है, और माँ मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा जबकि मुझे तो आपकी मदद करनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तेरी बातें समझती हूँ और तुझे अपनी माँ के संघर्ष का एहसास है, ये जानकर और मेरी इतनी मदद करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ आप चिंता मत करो, अब से मैं भी आपके पराठे बनाने और बेचने में मदद किया करूँगी। अंजू की ये बातें सुनकर सुहास को भी खुशी होती है और अगले ही दिन से अंजू अपनी माँ के साथ आलू के पराठे बेचने जाया करती, जहाँ संदीप आलू के पराठे बनाया करती। तो अंजू ग्राहकों को पराठे परोसा करती। एक रोज उसकी सहेली विदिशा भी वहाँ पराठे खाने आती है और अंजू को वहाँ देखकर हैरानी से कहती है, अंजू तू यहाँ, वो भी पराठे बेचते हुए। हाँ, ये आलू के पराठे का ठेला मेरी माँ का है, बोल कितने प्लेट पराठे लगाऊं। तू तो बड़ी चालाक निकली, उस दिन तक तूने नहीं बताया, तूने सोचा होगा कि इसे पता चल गया तो फ्री में पराठे खाने ना आ जाए, है ना। हाँ, क्योंकि मुझे पता है तू बहुत बड़ी भुक्कड़ जो है। कोई नहीं, तब नहीं तो अब सही, आंटी एक प्लेट पराठे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं लो। हाँ खा, और अपने और दोस्तों में भी मेरी माँ के बनाए आलू के पराठों की तारीफ कर, ताकि यहाँ के ग्राहक बढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल। तभी वो मजे लेकर पराठे खाती है और बहुत तारीफ करती है, साथ ही दो तीन और ग्राहक भी ठेले पर आते हैं तो दोनों उन्हें भी देखने लगते हैं। इस तरह गरीब आलू पराठे वाली को उसकी बेटी का साथ मिल जाता है और वो उसके साथ मिलकर अपने आलू के पराठे का ठेला चलाया करती। शैलन मुंबई में रहने वाली लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसका पालन पोषण एक आश्रम में हुआ था। शैलन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, साथ ही साथ उसके कुछ बुरी आदतें भी थी, जैसे कि सिगरेट पीना, हुक्का पीना और आवारा लड़कियों की तरह बोलना। ऐसे ही एक दिन एक लड़की रास्ते से जा रही होती है कि तभी कुछ गुंडे उसे छेड़ने लगते हैं और शैलन वहाँ आ जाती है और उन गुंडों की जमकर पिटाई करती है और बोलती है, क्या रे कालिए, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अपुन तेरे को इतना घुमा घुमा के मारेगी ना, साला सारी जिंदगी याद रखेगा। माफ कर दो दीदी, अब नहीं करूँगा ये सब, प्लीज। अपुन तेरे को इस लायक ही नहीं छोड़ेगी कि तू कुछ आगे कर भी पाएगा। दीदी जाने दो, अब से नहीं करूँगा ये सब, आई मम्मी कसम से। चल मैं दोनों का दोनों इधर आओ, और जैसा मैं बोलेगी ना वैसे तुम दोनों भी बोलोगे। हाँ हाँ दीदी, जैसा आप बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। बोलो, दुनिया की हर लड़की हमारी बहन है। दुनिया की हर लड़की हमारी बहन समान है। आज के बाद हम कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करेंगे। आज के बाद हम कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करेंगे। वहीं पास में खड़ा हुआ एक समर नाम का लड़का ये सब कुछ देख रहा होता है और वो शैलन के लिए तालियां बजाने लगता है, जिसे देखकर आसपास के खड़े सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। शैलन भी वहां से जाने लगती है कि तभी समर उसे रोकते हुए बोलता है, सुनिए,
क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ए, अच्छे से सोच ले पहले, क्योंकि अपुन तेरे को ना बाद में बात करने के लायक नहीं छोड़ेगी क्या। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं और मैं शहर में नया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे दोस्ती कर लो। क्यों बे? मैं का तेरी अम्मा लगती हूँ जो तेरे से दोस्ती करूँगी? जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, जब आपको करनी ही नहीं है तो। अबे ओ चिकने, सुन इधर आता, देखने में तो साला तू अच्छा दिखता है, शरीफ भी लगता है। चल मैं सोचूंगी तेरे बारे में, कल तू मेरे को यहीं मिलियो और ये ले मेरा नंबर। ऐसे ही अगले दिन समर उससे मिलने के लिए आता है। थोड़ी देर के बाद शरण भी सिगरेट फूंकते हुए आ जाती है और समर उससे कहता है, यार बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। बोल चिकने, तेरी बातों का क्या बुरा मानना रे। यार तुम आवारा लड़कियों की तरह क्यों रहती हो? मेरा मतलब है कि तुम अच्छी हो, सुंदर हो, तो ऐसे ही रहो ना। ये सिगरेट पीना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बात तो तू अच्छी कर लेता है, और अच्छा लगा कि कोई तो है जो मेरी हेल्थ की इतनी फिक्र करता है। दोनों देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगता है। वो दोनों आए दिन किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें प्यार हो जाता है। और एक दिन दोनों एक पार्क के बाहर अपने प्यार का इजहार करते हैं, जिसके बाद उनके प्यार का सिलसिला चलता रहता है। और फिर एक दिन समर शैलिन को फोन करके कहता है, शैलिन मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। मिल लेगी, उसमें क्या है? लेकिन तुम अच्छी लड़कियों की तरह अच्छे से रेडी होकर आओगी। मतलब क्या, मैं अच्छी नहीं दिखती क्या? बस पहनावा बदलो और बोलने का तरीका, ये सब कुछ मैं बदल दूंगा, तुम्हें एक नई शैलिन बना दूंगा। अगले दिन समर शैलिन को एक मॉल लेकर जाता है, जहाँ उसे वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाता है, सूट दिलवाता है और अलग अलग तरीके की साड़ियाँ दिलवाता है। जिसके बाद वो लोग लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो टेबल पर बैठकर समर नाइफ और फोक से खाना खाता है, जिसे देखकर शैलिन भी वैसे ही खाना खाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खा पाती। तभी समर उसे सिखाने के लिए उसके करीब जाता है, जिससे वो शर्मा जाती है और फिर बड़े ही प्यार से उसे फोर्क और नाइफ से खाना खाना सिखाता है। साथ ही उसे अपने हाथों से खिलाता भी है और उसे अच्छे से तैयार करके अपने साथ अपनी माँ अनीता के पास ले जाता है। अनीता देवी शैलिन को ऊपर से नीचे तक अच्छे से निहारती है और उसको देखते हुए कहती है, दिखने में तो बहुत सुंदर है तू, नाम क्या है तेरा? अपुन का नाम तो शैलिन है, तेरा क्या है बुढ़िया? अरे बोलने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें? दिखने में तो लगता है कि कितनी समझदार और संस्कारी लड़की है, मगर इसके बोल सुन के कौवा चले हंस की चाल। माँ ये मुंबई की है ना, तो थोड़ा ऐसे ही बोलती है, बाकी सीख जाएगी। अरे हमारे खानदान में कोई इस लड़की की तरह नहीं बोलता, बस मैं तेरी खुशी के लिए इस लड़की को अपना रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अनीता उन दोनों की मंदिर में शादी करवा देती है। इसी तरह शादी के बाद शैलिन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है, लेकिन अभी भी उसकी कुछ आदतें सुधर नहीं पाती, जैसे कि सिगरेट पीना। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में छुपकर सिगरेट पी रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और गुस्से से तिलमिलाते हुए बोलती है, हाय राम जी, अरे मेरे कर्म में ही ये आवारा बहू लिखी थी क्या? अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और तू यहाँ आकर ये सब कर रही है, अपमान कर रही है लक्ष्मी का। ए माता जी, आप उनको जो सही लगता है ना अपुन वही करती है, एक बहू होने के नाते इस घर का सारा काम करती है एकदम चकाचक, और आज तो अपुन ने इतने दिनों बाद सिगरेट को छुआ है। अरे नास पीटी, मैं तुझे इस घर में एक पल ना रहने दूँ, तू निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगी यहाँ से तो मैं जाऊंगी। जिस दिन तू अपने आप को इस घर की बहू के लायक बना लेगी तब मुझे बुला लियो। अनीता वो घर छोड़कर चली जाती है और शाम को जब समर वापस आता है तो अपनी माँ को हर तरफ ढूंढता है, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो शैलिन के पास जाकर उससे कहता है, माँ कहाँ है? माता जी घर छोड़कर चली गयी। क्यों, क्या हुआ जो वो चली गयी?
आज माताजी ने अपुन को सिगरेट पीते देख लिया और बोली कि जब तक मैं उनकी बहू कहलाने लायक नहीं बन जाती वो इस घर में वापस नहीं आएगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये सब छोड़ दो। ओ हेलो, अपुन ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया क्या? अगर तुम चाहती हो कि मैं और माँ तुम्हारे साथ रहें तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। शैलेन खुद को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और इस बदलाव में समर उसका पूरा साथ देता है। साथ ही उसे बदलने के लिए उसे सब कुछ सिखाता है, कैसे बातें करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से मेहमानों का स्वागत करना है। और शैलेन भी दिन रात एक करके समर के कहे अनुसार मेहनत करती जाती है। साथ ही यूट्यूब से वो साड़ियाँ पहनना भी सीख लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं जिसके बाद शैलेन में वो सारे गुण आ जाते हैं जो कि एक अच्छी बहू में होने चाहिए। और उसके बाद शैलेन और समर दोनों ही अनीता को लेने के लिए उसके पास जाते हैं और अनीता उनको देखकर बोलती है, आ गई मेरी याद। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, समर जी के कहने पर मैंने कुछ आदतों को तो बदल दिया है अपनी, लेकिन मैं अब पूरी तरीके से बदल गई हूँ। और प्लीज आप घर वापस चलिए ना। नहीं, तू कुछ दिन यहीं रहेगी, चूल्हे पे खाना बनाएगी और इस छोटे से घर में कुछ दिन गुजारा करके दिखाएगी मुझे, फिर मैं सोचूंगी कि मुझे वापस जाना है या नहीं। जी माँ जी, आप जैसा जैसा बोलेंगी मैं वैसे वैसे करूंगी। शैलेन उनके कहने पर कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाती है और अपनी सास के कहे अनुसार दिन रात सिर्फ चूल्हे पर ही खाना बनाती है और अपनी सास और पति की खूब सेवा करती है। और उसका ये बदला हुआ रूप देखकर अनीता को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और साथ ही साथ उसे बहुत खुशी भी होती है। और अगले ही दिन वो अपनी बहू और बेटों के साथ अपने घर वापस लौट जाती है जहां वो तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।